आईफोन में फोटोज ऐप एक साधारण सा गैलरी ऐप है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मजेदार हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि फोटोज ऐप को और भी बेहतरीन बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन फोटोज ऐप के 11 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो कि शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। फोटोज ऐप में एप्पल आपको एक ऐसा एक्सटेंसिव सर्च फीचर देता है जिसकी मदद से आप कोई भी इमेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। बेसिकली ये फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और साथ ही साथ लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के साथ वर्क करता है, जिसमें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर या किसी पर्सन के बारे में नाम लिखकर या फिर लोकेशन की मदद से आप कोई भी इमेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको यहाँ सिंपली सर्च पे टैप करना होगा और सर्च पे टैप करने के बाद यहाँ सर्च में लाकर उस चीज के बारे में आपको लिखना होगा जो कि आप ढूंढना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे फ्लावर्स लिखूंगा तो फ्लावर्स से रिलेटेड जितने भी फोटोज होंगे मेरे यहाँ पे मुझे शो होने लगेंगे। आप कोई भी लोकेशन के बारे में कर सकते हैं, जैसे मैं अपना लोकेशन यहाँ पे करता हूँ। ये लोकेशन को इनपुट करने के बाद इस लोकेशन पे जितने भी फोटोज होंगे मेरे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह सर्च फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने फोटोज ऐप से अपने किसी भी स्पेसिफिक फोटो को आसानी से ढूंढ सकते हैं। फोटोज ऐप का अगला बेहतरीन फीचर है फॉर यू टैब। फॉर यू टैब बेसिकली हमारे क्लिक किए सारे फोटोज को कलेक्ट करके हमारी मेमोरीज को क्रिएट करता है, जिसे कि आप बाद में देखकर एंजॉय भी कर सकते हैं। अपने फोन में अपने मेमोरीज को देखने के लिए आपको फोटोज ऐप में फॉर यू टैब पे जाना होगा। फॉर यू टैब पे जाने के लिए आपको यहाँ पे टच करना है और जैसे ही आप टच करेंगे आपको आपके सारे मेमोरीज यहाँ पे शो होने लगेंगे। किसी भी मेमोरीज को देखने के लिए आपको सिंपली उस पे टच करना है और वो खुद ब खुद प्ले होना शुरू हो जाएगा। फोटोज ऐप का तीसरा बेहतरीन फीचर है फेवरेट्स एल्बम। फेवरेट्स एल्बम में आप अपने किसी भी पसंदीदा फोटोज या वीडियोस को सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप अपने फेवरेट फोटोज और वीडियोस को आसानी से देख पाएं। फेवरेट्स एल्बम में अपने फोटोज और वीडियोस को सेव करने के लिए सिंपली आपको किसी भी फोटो को ओपन करना होगा और उसके बाद नीचे यहाँ जो हार्ट आइकन है उस पर टैप करना होगा। ये टैप करते के साथ आपका जो फेवरेट फोटोज होगा वो फेवरेट एल्बम में चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे फेवरेट एल्बम्स में देख सकते हैं कि मैंने ये दो फोटोज को अभी यहाँ पे ऐड किया हुआ था और ये दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके आईफोन में जो फोटोज ऐप है वो इनबिल्ट फोटो एडिटर के साथ आता है? जी हाँ, आपका जो फोटोज ऐप है वो इनबिल्ट फोटो एडिटर के साथ आता है, जो कि आपको अपने फोटोज को एडिट करने की फीचर्स देता है। आपको सिंपली किसी भी फोटो को ओपन करके यहाँ एडिट पर टैप करना है और उसके बाद आप यहाँ से जो भी चाहें वो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली आपके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह को मैनेज करता है। अगर आप चाहें तो खुद ब खुद मैनुअली एक्सपोजर, ब्राइटनेस, शैडोज, जो भी फीचर्स हैं आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इवन कि आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं अपने फोटोज पे। तो ये सारे फीचर्स आपके फोटोज ऐप में इनबिल्ट है। फोटोज ऐप की इनबिल्ट एडिटर में आप अपने वीडियोस को भी एडिट कर सकते हैं। क्रॉप करना जैसे हो गया, उसकी लाइटिंग चेंज करना हुआ, ट्रिम करना हुआ, या फिर अगर आप उसे फ्लिप करना चाहते हैं, उसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, उसमें आप फिल्टर्स लगाना चाहते हैं, वो आप इनबिल्ट फोटोज ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगला हिडन फीचर है शेयर्ड एल्बम। शेयर्ड एल्बम एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आप अपने फोटोज वाले एल्बम को किसी दूसरों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। वो कैसे शेयर करना है आइए देखते हैं। अपने आईफोन में शेयर्ड एल्बम को क्रिएट करने के लिए आपको फोटोज ऐप में जाना होगा और उसके बाद नीचे से सिलेक्ट कर लेना है एल्बम्स। एल्बम्स को सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ प्लस आइकन पर आप टच करेंगे तो आपको यहाँ तीन ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू एल्बम, न्यू फोल्डर और न्यू शेयर्ड एल्बम। यहाँ से आपको न्यू शेयर्ड एल्बम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद शेयर्ड एल्बम का जो आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट एल्बम्स और उसके बाद कर दूंगा यहाँ पे नेक्स्ट। आप अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे इनपुट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ खुद अपने ही साथ, तो मैंने अपना यहाँ मेल आईडी इनपुट कर दिया। और मेल आईडी इनपुट करने के बाद अगर आप चाहते हैं और लोगों के साथ शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, तो आप प्लस आइकन करके यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही करके क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद आप पाएंगे कि एल्बम्स में हमारा नया शेयर्ड एल्बम यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा जो शेयर्ड एल्बम है इसमें अभी तक कोई फोटोज वगैरह नहीं है, तो इसमें फोटोज हम कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने के लिए आपको यहाँ कॉर्नर में 3 डॉट आइकन जो है इस पर टच करना है। टच करने के बाद ऐड फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। ऐड फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी फोटोज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं शेयर्ड एल्बम में वो सिलेक्ट कर लीजिए।
फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टच करना है। आप जैसे ही ऐड पे टच करेंगे आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगा जिसमें कि आप यहाँ कमेंट्स इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पोस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद आपने जिस किसी को भी इनवाइट किया हुआ है इस एल्बम में, शेयर्ड एल्बम में, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो जितने फोटोज आपने यहाँ पे ऐड किए हैं उनके शेयर्ड एल्बम्स में शो होना शुरू हो जाएंगे। अगला जो बेहतरीन हिडन ट्रिक्स फोटोज ऐप के लिए है वो है टैग पीपल। बेसिकली टैग पीपल एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आप किसी भी इमेज में किसी पर्सन को बाय नेम आप टैग कर सकते हैं। टैग करने से जब कभी भी आप सर्च फील्ड में जाकर उस इंसान के नाम से सर्च करेंगे तो आपको उनसे रिलेटेड सारे फोटोज मिल जाएंगे। तो किसी भी फोटोज में पर्सन को टैग करने के लिए सिंपली आपको किसी फोटोज को ओपन करना होगा। फोटो को ओपन करने के बाद आपको नीचे आई बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो इमेज आएगा, पर्सन इमेज जो आ रहा है आइकन, उस पर टच करना है और टच करने के बाद टैग विथ नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। टैग विथ नेम करने के बाद उस इंसान का यहाँ नाम इनपुट कर देना है जिनका ये इमेज है या फिर आप जिनको टैग करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टैग कर लिया अपने इमेज को और उसके बाद फिर मैं कर दूंगा डन। तो इस प्रकार आप किसी भी पर्सन को फोटोज ऐप में टैग कर सकते हैं। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप लाइव फोटोज के बारे में तो जानते ही होंगे। लाइव फोटोज एक ऐसा फीचर है जो कि इमेज को कैप्चर करने से 1.5 सेकंड्स पहले और कैप्चर करने के 1.5 सेकंड्स बाद तक कैप्चर करता है। अगर आपने लाइव फोटोज क्लिक किया हुआ है तो आप उसे प्ले कैसे करेंगे, ये ट्रिक उसी के बारे में है। लाइव फोटोज को प्ले करने के लिए आपको फोटोज में जाना होगा और उसके बाद फिर एल्बम्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करने के बाद मीडिया टाइप्स में सिलेक्ट कर लीजिए लाइव फोटोज। लाइव फोटोज को ओपन करने के बाद कोई भी फोटो को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उस फोटोज पे टैप करके होल्ड करिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो फोटो है ये मूव हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो प्ले हो रहा हो। तो इस प्रकार आप अपने फोन में लाइव फोटोज को प्ले करके अपने मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं। अगला जो ट्रिक है वो है ऐड कैप्शन टू फोटोज। आप फोटोज ऐप की मदद से आप अपने किसी भी फोटो या वीडियो में कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा जो वीडियो है ये आईफोन से रिलेटेड है, तो इसमें मुझे कैप्शन ऐड करना है। तो कैप्शन ऐड करने के लिए मैं स्वाइप अप करूंगा। स्वाइप अप करने के बाद कैप्शन फील्ड में मैं इनपुट कर देता हूँ आईफोन। आईफोन इनपुट करने के बाद मैं यहाँ डन पे टच कर दूंगा और ये जो मेरा कैप्शन है वो ऐड हो गया। आप जब कभी भी चाहें तो सर्च फील्ड में जाकर उस कैप्शन के बदौलत आप अपने फोटोज या वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सर्च फील्ड में आईफोन टाइप किया, आईफोन टाइप करते के साथ मेरा जो वीडियोस था या फोटोज यहाँ पे वो मुझे शो होने लगा। अगला जो कूल हैक फोटोज ऐप के लिए है वो है अपने फोटोज को मैप पे देखना। फोटोज को मैप पे देखने का मतलब ये है कि आपने किस इमेज को कहाँ पे क्लिक किया, किस लोकेशन पे क्लिक किया, आप वो आसानी से अपने फोटोज ऐप में देख सकते हैं। तो किसी भी फोटोज की लोकेशन देखने के लिए या फिर लोकेशन बेस्ड फोटोज को देखने के लिए आपको एल्बम्स में जाना होगा। एल्बम्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सिलेक्ट करना है प्लेसेस, जो कि पीपल एंड प्लेसेस के पास आपको मिलेगा। तो प्लेसेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप मैप में यहाँ देख पाएंगे कि जो 30 फोटोज हैं मेरे इस लोकेशन पे क्लिक किए गए हैं और 62 फोटोज इस लोकेशन पे क्लिक किए गए हैं। तो इस लोकेशन के फोटोज को देखने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे टच करना होगा और जितने भी उस लोकेशन की फोटोज हैं वो मेरे सामने यहाँ पे होंगी। और साथ ही साथ आप किसी भी फोटोज पे टच करके और उसके बाद आप आई बटन पे टच करके उस फोटो की लोकेशन को यहाँ से देख सकते हैं कि वो फोटोज कहाँ पे क्लिक किया गया है। अगला जो मजेदार फोटोज ऐप ट्रिक है वो काफी ज्यादा जरूरी भी है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। अगर गलती से आपने अपने किसी फोटोज को या वीडियोज को डिलीट कर दिया है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए आपको सिंपली एल्बम्स में जाना होगा। एल्बम्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है रिसेंटली डिलीटेड तक। रिसेंटली डिलीटेड पे टच करिए। रिसेंटली डिलीटेड पे टच करने के बाद आपसे जो भी फोटोज गलती से डिलीट हो गए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिन फोटोज को रिकवर करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके यहाँ रिकवर पे टच कर लेना है। और इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि अगर आपने लास्ट 30 डेज में कोई भी फोटोज डिलीट किए हैं वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 30 दिनों के बाद वो फोटोज ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो बेहतर होगा आप 30 दिनों से पहले ही रिसेंटली डिलीटेड से अपने फोटोज को रिकवर कर लीजिए।
फोटोज ऐप की हिडन फीचर्स की लिस्ट में सबसे लास्ट पे है हाइड फोटोज। बेसिकली ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो हिडन फीचर है वो आपके प्राइवेसी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी फोटो को हाइड करने के लिए आपको फोटो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ 3-डॉट आइकन जो है इस पर टच करके यहाँ से हाइड कर लेना है। अब आप यहां पाएंगे कि आपका जो फोटो है वो यहां से हाइड हो गया। अगर आप iOS 16 से नीचे के OS पे हैं तो आपको ये शेयर बटन पे टच करने के बाद यहां नीचे शेयर शीट्स में जाकर हाइड को सिलेक्ट करना होगा और वहां से सिलेक्ट करने के बाद आपके जो फोटोज होंगे वो यहां से हाइड हो जाएंगे। अगर आप मल्टीपल फोटोज को हाइड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां 3-डॉट आइकन पर टच करना है और फिर से यहां सिलेक्ट कर लेना है हाइड। सेम प्रोसेस होगा iOS 15 के लिए भी, लेकिन आपको वहां से शेयर बटन पर टच करके शेयर शीट से हाइड को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरा फोटोज यहां से हाइड हो चुका है, लेकिन अगर आपको फिर से हिडन फोटोज को एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे? हिडन फोटोज को एक्सेस करने के लिए आपको एल्बम्स पे जाना है। एल्बम सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यूटिलिटीज के अंडर हिडन को टच करना है। हिडन को टच करते के साथ आपके जितने भी फोटोज आपने जो हाइड किए हुए हैं वो सारे फोटोज आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। अगर आप इन फोटोज को अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपली सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद 3-डॉट पर टच करके यहाँ से अनहाइड सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार आप अनवांटेड फोटोज जो कि आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से अपने फोटोज ऐप में हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोटोज ऐप की हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही साथ कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक ऐसे ही ट्यूटोरियल के साथ, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाय द वे आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल @avitechie पर भी फॉलो करके टिप्स और ट्रिक्स पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।